जय श्री राम फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलेश किचन और आज मैं बना रहा हूँ पालक की दाल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक जुड़ी पालक ली है और मैंने इसको कट करके लिया है और यहाँ पे मैंने तुअर की दाल ली है, आधी कटोरी से ज़्यादा ली है मैंने। तो हम अब तुअर दाल को हम धो के लेंगे और पालक को भी धो के लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पालक को धो लिया है और दाल को भी अच्छी तरह से धो के लिया है। अब हम क्या करेंगे, कुकर में डाल देंगे। फ्रेंड्स मैं इसमें तुअर दाल डाल रहा हूँ कुकर में और साथ ही में इसमें हम पालक डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने दो टमाटर लिए है, दो टमाटर को साबित ही डालना है इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने 5-6 लहसुन की कलियां ली है तो लहसुन डाल देंगे इसमें और एक तांबे पानी डाल के हम इसको गैस पे रख देंगे। यहाँ पे मैं 1.5 तांबे पानी लिया हूँ, 1 तांबे पानी कम गिर रहा था इसलिए मैंने 1.5 तांबे लिया है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है, हम भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगा। अब इसके कुकर को ढक के रखूंगा और गैस को ऑन कर दूंगा और 9 सीटी होने तक इसको पकाना है हमें। फ्रेंड्स टोटल 8 सीटियां हो गई है, अब लास्ट सीटी होना बाकी है। तो इसके बाद हम गैस को कर देते हैं बंद, तो 1 सीटी होने तक वेट करेंगे। सीटी हो गई है, अब मैं गैस को कर देता हूँ बंद और कुकर को हम कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही रखने वाले हैं इसकी वाप जाने तक। मैंने यहाँ पे दाल बनाने के लिए यहाँ पे हरा कड़ी पत्ता लिया है और 7-8 लहसुन के लिए लिया है मैंने कट कर के लिए और लाल मिर्च लिया है मैंने तड़का देने के लिए और यहाँ पे प्याज, एक प्याज को मैंने कट करके रखा है और हरा धनिया लिया है। हम सिंपल सी दाल बना ली है इसलिए मैंने ज़्यादा मसाले नहीं लिए यहाँ पे, मतलब इसमें यूज करने के लिए तेज पत्ता नहीं लिया है। फ्रेंड इसकी वाप गई है तो अब इसको हम निकाल देंगे ढक्कन को और थोड़ा सा हम रही से इसको हट लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा हटना है, ज्यादा नहीं हटना है इसको। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हमने गैस पे कड़ाही रख दी है, हम गैस को कर देते हैं ऑन। कड़ी गर्म होने तक थोड़ा सा वेट करेंगे। फ्रेंड्स कड़ी गर्म हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे तेल, 2 चम्मच तेल डाल देंगे। हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। फ्रेंड्स तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम राई डाल देंगे 1/6 चम्मच और साथ ही में इसमें हम 1/6 चम्मच जीरा डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसके थोड़े से चटकने देंगे। फ्रेंड्स अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब इसमें हम हरा कड़ी पत्ता डाल देंगे, हमने कड़ी पत्ता ज्यादा लिया है, इससे टेस्ट अच्छा होता है इसलिए ज्यादा लिया है कड़ी पत्ता। अब इसमें लहसुन डालेंगे, हमने कट करके रखा है। अब इसका कलर अच्छी तरह से
चेंज होने तक हम इसको पलटा के लेंगे ऐसा। देख सकते प्याज का कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लाल मिर्च डाल देंगे। हमने तड़का देने के लिए लाल मिर्च लिए है, तो साबित लाल मिर्च डालना है। और इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे, भून लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक चम्मच सांभर मसाला डाल देंगे और एक चम्मच धनिया पाउडर और दो चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर यूज करेंगे। आपको तीखा जितना लगता है उस हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने अंबारी मसाले ले लिया है, गरम मसाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम दाल डाल देंगे। दाल को आराम से डालना है, अंगूठी भी हिल सकता है। अब इसको एक बॉईल आने तक हम इसको पकने देंगे दाल को। हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। एक बार इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे, हमने नमक डाला है। फ्रेंड्स हम एक बार इसको और पलटा के लेंगे। इसकी एक उबाल आने तक हम इसको पकाना है, हमें ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि दाल अच्छे से पहले से ही पक गई है। फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और मेरी वीडियो पे लाइक बहुत कम आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। और ये महाराष्ट्र की डिश है दाल, तो हमारे इधर इस तरीके से दाल बनाती है, आपके इधर मतलब हर तरीके की अलग अलग दाल बनाती है। तो मेरे इधर की महाराष्ट्र साइड में ऐसी ही दाल बनाती है, आप एक बार जरूर बना के देखना। फ्रेंड्स अब इस पे हम हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। बहुत ही सिंपल सी दाल बनाई है मैंने, ज्यादा मसाले यूज नहीं किए इसके अंदर और खाने में एकदम टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स उबाल आ गई है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और अगली रेसिपी में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।